क्या आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको बच्चे को कितनी बार और कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए माँ के दूध से ज्यादा पौष्टिक और जरूरी कुछ नहीं होता है और इसलिए 6 महीने तक बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह भी दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि न्यू मॉम से कुछ बेसिक गलती हो जाती है और इस बात को लेकर भी कन्फ्यूजन रहती है कि बच्चों को कितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि जिस दिन आपके बच्चे का जन्म हो तब से लेकर 1 हफ्ते तक उसे हर 1 से 3 घंटे में भूख लग सकती है। ऐसे में आपको हर 1, 2 या 3 घंटे के गैप के बीच बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके पेट का साइज भी बढ़ने लगता है और ऐसे में बच्चे की भूख भी बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 2 से 4 घंटे में आप दूध पिला सकती हैं। बस ध्यान रखें कि एक समय में एक साइड के ब्रेस्ट का ही मिल्क बच्चों को पिलाएं। जब आपका बच्चा 1 महीने का हो जाए तो आप 24 घंटे में 8 से 12 बार तक ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं। बात करें 6 से 12 महीने के बच्चे की तो अब वो माँ के दूध के साथ साथ सेमी सॉलिड चीजें भी खाना शुरू कर देता है। ऐसे में आप बच्चे को दिन में 4 से 5 बार ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं, खासकर उठने के बाद और सोने से पहले। उसके बाद 1 साल से 2 साल के बच्चे को आप दिन में 1 से 2 बार ही ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, वो भी तब जब वो ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड करे या फिर रो रहा हो। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 2 साल तक आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ब्रेस्ट फीडिंग की आदत को छुड़ाने की कोशिश करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।